के साथ साथ नौजवान सियासी और समाजी शख्सियत रईस करीबी साथी मोहम्मद अस्तान भट्ट साहब उनके साथ से शाना बशाना करने वाले नौजवान मोहम्मद अस्तान भट्ट साहब चौधरी तारिक चौहान साहब रईस शरीफ महल सूबेदार तारिक साहब और इनके साथ साथ आने वाले दीगर तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम जी यानू आपकी तशरीफ आवरी वैसे स्वागत है और प्रेस क्लब टांडा सी और जितने भी सहाफी यहाँ पर मौजूद हैं हम आपको तमाम दोस्तों को तमाम आने वाले मुअज्जज मेहमानों को शाही क्रिकेट हजरात को तमाम खिलाड़ियों को के स्पोर्ट्स मैदान की जानिब से वेलकम कहते हैं। खुश आमदीद सामना करेंगे सदर अली मंजू का किसान जमीन है जी और बॉलिंग पर मौजूद दाऊद लेफ्टी गुजरात सीढ़ी गुजरात शहर से इस नौजवान खिलाड़ी का अलग है होगी सदीक पठान जो के काशी बिल्ला के साथी गेंदबाज हैं। आगे बॉल से फ्लिक किया लेकिन बाउंड्री के उस पार नहीं फेंक सके। अगेन ग्राउंड शॉट बिल्कुल जी पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम मुनीफ अशरफ राम गेगिया ने 8 रन बनाए हैं और बहादुर टीम को 10 रन का इशारा दिया है। 5 बॉल पर 10 रन बनाने हैं। बिल्कुल जनाब काशी बिल्ला जो कि मचे हुए बल्लेबाज हैं उन्हें 10 रन का हदफ दिया है। अगर आपने थर्ड राउंड में क्वालिफाई करना है तो आपको 10 रन बनाने होंगे। इससे पहले असद जो कि साथी गेंदबाज हैं मनीफ अशरफ के उन्होंने बड़ी लंबी दूरी और कमाल की गेंदबाजी की थी पहले राउंड में और सेकेंड राउंड में पहुंचने में असद क्लीनली करता रहा है उनका। अब की बार देखना होगा क्या ये 10 रन के हदफ को का दिफा कर पाते हैं या नहीं। राजा सारा वो कट्ठा हो गया ठीक हो गया पता नहीं कमरे हो पहला बॉल एक्स्ट्रा की सूरत में तोहफे में 2 रन दिए हैं जनाब काशी को। कैफ नजात और शानी लखनवाल जहां कहीं भी हैं कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाएं। इस्तेमाल करना हो वहाँ पेस का करते हैं जहाँ स्लो वन फेंकना हो वहाँ पे स्लो वन फेंकते हैं। पहले राउंड में बड़ी कमाल की गेंदबाजी की थी इस नौजवान गेंदबाज ने। अब की बार काशी लखनवाल का सॉरी काशी बिल्ला का चैलेंज दरपेश है। उल्टा बॉल अंपायर का इशारा कहीं नो बॉल है नहीं। बिल्कुल जनाब अंपायर टस से पस नहीं हो रहे और इसे एक टस करार दिया है। ये खूब जबी है ना राशि भी उल्टा से मार रहा है
10 रन का हदफ है जो कि टीम काशी बिल्ला ने अबूर करना है और थर्ड राउंड में क्वालिफाई करना है। मोहम्मद बल्लेबाजों को बारी पड़नी है और मुझे नजर भी आ रहा है कि अब की बार भी कुछ क्या करेंगे, सरप्राइज करेंगे शाइकी ने क्रिकेट को और टीम को। 10 रन का हदफ है। अप इन द स्काई, अप इन द स्काई, ओवर द फेंस। अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा देखना होगा क्या ये 6 रन थे या 4। अंपायर का इशारा देखना होगा। कुछ जनाब गरबा कभी नहीं होनी चाहिए, गेमा गेमी भी नहीं होनी चाहिए, अंपायर डिसीजन देंगे, अंपायर डिसीजन देंगे आया कि ये 4 रन है या 6। अंपायर का इशारा 6 रन। यार बिलाल गुजर वेला गुजर वहां पर फील्डर मौजूद है, नहीं उसे पूछ लेने, जो करीबी फील्डर सबसे पहले उससे पूछे आप सीनियर भी इस इलाके से भी हैं और जो फैसला होगा वो बिल्कुल हकी फैसला होगा। फिर इस तरह बिल्कुल आज सुबह से बड़े जबरदस्त मैच हो रहे हैं, कांटेदार मैच हो रहे हैं। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਆਣ ਭਾਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਹੈ ਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੈਲਕਮ ਜਨਾਬ ਬੈਠੋ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਸ ਬੈਠੋ ਆ ਜਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਪ ਉਹ ਨਾ ਲੜੋ ਨਾ ਲੜੋ बिल्कुल जी, मैं खुशामदी कहता हूँ जनाब मोहतरम सैयद इमरान शाह साहब को, सीनियर प्लेयर हैं कोहली परमानंद सिंह का तल्लक है और इलाके की क्रिकेट में एक अपना नाम है, अपना मकाम है। मैं आपको खुशामदी कहता हूँ सैयद इमरान शाह साहब, उसके साथ जनाब राजा अदनान साहब, राजा अदनान साहब को मैं खुशामदी कहता हूँ, आपकी खुशामदी का बहुत शुक्रिया। उन्हें क्या अंपायर का इशारा देखना होगा आया कि ये 4 रन है या 6। 4 रन भाई सानू मारी ना, तेरी मेहरबानी। अंपायर ने दसो बिल्कुल जी, अंपायर ने अपना फैसला दे दिया है तो सभी को उसको इत्तेफाक करना होगा, अदरवाइज दोनों अपना अपना फिर अंपायर खड़ा कर ले। 4 रन कंसीडर हैं ये,
बिल्कुल जी, सिक्योरिटी के हथियार हैं, आप सभी से गुजारिश है कि बाउंड्री के बाहर तशरीफ ले जाएं। Thank you.